2024 की। तो 16 मई को जौनपुर दौरे पर पीएम मोदी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे, टीडी कॉलेज के मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो पीएम के आगमन को लेकर भूमि पूजन, आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष पुष्प राज सिंह, प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह मौजूद रहे। जनसभा स्थल पर रीति रिवाज के साथ पूजन अर्चन किया गया। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों के जनसभा में आने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे, 16 मई को जौनपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां। तो टीडी कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 16 तारीख को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, और जब आगमन होता है और जहाँ सभा होती है, सभा स्थल का पूजा अपने धर्म के हिसाब से किया जाता है, उसी के कार्यक्रम था कि आज यहाँ भूमि पूजन किया गया। शुरू है, मंडप बन रहा है, साधन मिलेगा, लोग आएंगे, 5 विधानसभा के लोगों का आना है, तो लाखों लोगों की भीड़ जो हाँ। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को इसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र भी देंगे। बता दें कि आज भूमि पूजन के दौरान भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह, तो भाजपा के जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, बात करें ट्रैफिक की, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनपद के आसपास के जनपदों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। बात करें ट्रैफिक की, तो रूट डाइवर्जन किया गया है। भारी संख्या में जो बड़ी वाहने कार्यकर्ताओं को लेकर आने वाली हैं, उनके लिए रूट प्लान बनाया गया है। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने सभी मंचों से 400 पार के नारा देते हैं, उसको अमली जामा पहुंचाने के लिए यहां से अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर। तो वहीं बांदा लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा।